इस वक्त में जो जो मतलब मेरे साथ सारे इमोशंस, क्या कहते हैं, मेरे सारे इमोशंस बाहर आ गए हैं इस वाले में। मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ हूँ, खुद नॉर्मल खुश भी हूँ, बहुत ज्यादा खुश भी हुआ हूँ। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा सैड भी हुआ हूँ, नॉर्मल वाला सैड भी हुआ हूँ। मुझे गुस्सा भी आया है, मुझे दर्द, सारी चीजें, सारा सब कुछ, पूरी ना ऐसे पूरा एक डेली सोप बन गया है ये, समझ लो तुम। पिछले 1 महीने से पूरा डेली सोप चल रहा है। और भैया मैं तो यार देखो, मैं तो ऐसा कैरेक्टर, मैं तो देखो एनीमे बहुत देखता हूँ, ड्रैगन बॉल जी, वन पंच मैन। और देखो एनीमे में तो एक ही चीज बोली जाती है कि उठो और बहुत जोर से उठो, बस अपना काम करते रहो। और कोई मुझे तरीका नहीं पता जिससे मैं तुम लोगों को शुक्रिया बोलूं, क्योंकि जो देखो एक एक्सपेक्टेशन होती है सपोर्ट की, बट मेरे पास नहीं है यार। मैं क्या बोल सकता हूँ तुमको, मैं क्या बोल सकता हूँ। आई लव यू 3,000, आई लव यू 4,000, आई लव यू 10,000, आई लव यू 1 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख, मैं, देर इज नो लिमिट। आई कैन नॉट, अभी उन चीजों के लिए अभी शब्द बने ही नहीं है। अभी मानव विकास होना बाकी है, जब थोड़ा और हो जाएगा तब शायद इन चीजों के लिए, इस इमोशन के लिए शायद तब शब्द बन जाएंगे। तुम डिजर्व करते हो ये न्यूज सुनना। तो यलगार इज नाउ अमंग्स द टॉप 20 मोस्ट वॉच्ड म्यूजिक वीडियोज ग्लोबली इन द फर्स्ट 24 आवर्स। तो मतलब 24 आवर्स में जितनी ग्लोबली पूरे दुनिया में जितनी वीडियोज आई हैं लास्ट 24 आवर्स में, मतलब रिकॉर्ड इसका इज द टॉप 20 मोस्ट वॉच्ड वीडियो। क्या यार मैं इतना कंफ्यूज क्यों हूँ, क्या कह रही है ये न्यूज एग्जैक्टली। अच्छा, 24 घंटे में टॉप 20 वीडियोस हैं जिनके 24 घंटे में सबसे ज्यादा वो आए हैं, क्या क्या कहते हैं, व्यूज आए हैं। तो हमारी वीडियो टॉप 20 है, उसमें टॉप 20। तो यार मैं नहीं समझ पा मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा टॉप 20 ग्लोबली, फिर टॉप, ओके। तो 24 घंटे में जब कोई म्यूजिक वीडियो जाती है, ठीक है, तो उसके पहले 24 घंटे में जितने व्यूज आते हैं, ठीक है, तो उसका एक रिकॉर्ड है कि किनके सबसे ज्यादा आए हैं। तो ग्लोबली टॉप 20 एक लिस्ट है, उसके अंदर यलगार भी है, जिसका मतलब टॉप 20 ग्लोबली हम टॉप 20 वीडियोस में आ चुके हैं जो 24 आवर्स में देखी गई थी। इस वाले 24 आवर्स नहीं, कभी भी, जब भी लॉन्च हुई हो वीडियो, समझ रहे हो मैं कहाँ पर आई होप। अरे समझ गए यार, खुशी बनाओ, ठीक है, ये बात, हालेलुया, हालेलुया, ये बात। भाई हाउ इट फील्स बीइंग द बिगेस्ट इंडियन यूट्यूबर। भाई उसकी नहीं है यार, जो प्यार मिल रहा है ना उसकी ज्यादा तुम समझते नहीं हो, वो ऐसी फीलिंग है। मतलब मैं अपने आप से ही कभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये कि मैं ही क्यों, मेरी जगह कोई भी हो सकता है, बट मैं ही क्यों, मुझे ही ये सब क्यों मिल रहा है। और मैं ऑब्वियसली इसके लिए खुश हूँ, बट एट द सेम टाइम मुझे डराती भी है कि मैं ही क्यों, क्या क्या स्कीम है ये समझ रहे तुम, ये क्या स्कीम है इसका। मतलब देखो अच्छा पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा है, बट आई हैव टू वॉच आउट फॉर द नेगेटिव वन, इसका नेगेटिव साइड क्या है। बिकॉज यार मैं तो वही, मैं तो ऑब्वियसली अपने दिमाग में जब भी मैं क्या करता हूँ ना, मैं हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो सोच के चलता हूँ हर चीज़ का ही। बट दिस इज समथिंग अनरियल, ये मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। मैं इमेजिन जो ऑलरेडी था, मैं उसको इमेजिन नहीं कर पा रहा, वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, मतलब वही सारी चीज़ें जो उससे पिछले साल हुई होती हैं, जिनका कोई सेंस, जो पहले सेंस नहीं बना रही होती, फिर वो सेंस बनाना चालू कर देती हैं, फिर समझ में आता अच्छा ये इसलिए होता है, अच्छा इसका ऐसा है, अब ऐसा है। अच्छा नहीं लगता, देखो यार मैं तुम्हें बता दूं, आई नो लोगों को हमारे तुम्हारी मतलब मुझे देख के जो तुम्हें फील हो रहा होगा, बट जो वो वीडियो थी स्टॉप मेकिंग एपिसोड, उसका ये सीन था, देखो मेरे लिए ना वो बनानी मुश्किल थी,
बनानी मुश्किल थी इन द सेंस ऑफ मतलब आई डोंट नो मैं उसे कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट जैसे जैसे मैं एक एक शब्द बोलने में उस वीडियो के मेरे को पता नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे नॉर्मली जब मैं बोलता हूँ, हाँ मेरे लिए देखो बोलना तो ऑब्वियसली वर्डलेस होता है, बट उस वक्त बोलना इतना वो था इसका कोई हिसाब ही नहीं है, बोलना ही बहुत मतलब तुम अगर बीइंग मतलब जो भी तुम्हारी कला है, जैसे अगर एक जोक या कुछ है, अगर तुम उसको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है ना, तो वो मतलब छुपती है यार वो चीज कि अगर तुम ऐसे अगर अपना जोक एक्सप्लेन करना पड़े छुपती है यार वो चीज। बाय द वे अगर तुम्हें नहीं पता जो म्यूजिक है वो मेरे भाई ने दिया है, तो मैंने उसको कभी ऐसे खुद को भी तरह काम करते हुए नहीं देखा, मतलब ऐसे तुम मान लो जिसको कहते ना शैतान आ जाए किसी में, पोजेस हो जाए इंसान और तब वो कुछ करे, वो लिटरली उसका मैंने वो रूप देखा, क्रेजी बहन मतलब क्रेजी मतलब वो मान लो वो इस पूरे यलगार का बैकबोन है पूरी का, मतलब अगर वो नहीं हो नहीं मतलब ही नहीं है, कुछ भी नहीं हो पाता। उसको बोला यश देख ऐसे कुछ करना है, ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ करना है कि भैया बस हट ही जाए, ख़त्म ही हो जाए, सारा सीन ख़त्म हो जाए अपनी। मैंने बोल दिया, मैंने बोला उसको 100-110 नहीं भाई 200 की ना 220% लगाएंगे, मतलब पूरी जितनी जान हो सक जितना अंदर है ना सब लगा के उसका एक और स्टेप ले लेंगे हम, वो करना है हमें, क्योंकि मतलब तुम मानो ना मानो स्ट्रेस ना जब तक रिलीज नहीं हुआ है ना, ये जो क्रेजी लेवल का स्ट्रेस हुआ है। There are no challenges left. मतलब मैं देखो सही बता रहा हूँ, अगर इतना कुछ बड़ा नहीं होता तो मैं बता देता हूँ इतना कोई सीन है नहीं, जितना नॉर्मली हर वीडियो में होता है उससे तुम मान लो 10 गुना ज़्यादा स्ट्रेस था, खासकर इसके लिए बिकॉज ऐसी चीज़ें होती है ना। देखो अब तुम ये भी सोच सकते हो मेरे दिमाग में तो 50 चीज़ें चलती हैं, यानी तुम्हें पसंद आएगा नहीं आएगा, तुम्हें रेफरेंसेस समझ में आएगी नहीं आएगी, 50 चीज़ें होती है, जब तक वीडियो नहीं बनती तो पता ही नहीं चलता है। तो हम तो अपनी तरफ से जितना बेस्ट ट्राई कर सकते हैं हम तो वो ट्राई करते हैं, तो बस हमने वही किया यार, हमने बस अपनी पूरी बहन और यश ने हमने पूरी जान लगा दी। आओ एक बार शक्ल दिखा जाओ लोगों को।